ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਣ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ पूरे कंपीटीशन दे विच सत अठ कैटागरियां दे विच जिन्हें सब तो वध भार चक्या हुंदा वो भारत की सब तो स्ट्रोंग गुड़ी बनती है जो कि किताब मैनूं मिल चुकिया जी मैं बहुत ही माण महसूस हो रहा इस अवार्ड लई मेरा नाम जो सन्मानिया गया और मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ किसी नालों घट नहीं आ भी ये त्यौहार मनाया जाता लड़कियों की भी लोहड़ी मनाई जाती है और ये जड़ा अवार्ड मिलया है यूथ वेलफेयर क्लब का मैं बहुत शुकराना करती हाँ कि फंक्शन अच्छे ये जो लोहड़ी दियाँ असं जो प्रोग्राम करवा रहे हैं चौथा फंक्शन है चार साल हो गए जी सू करवा जी असं 14 तरीक तो श्री खान पाठ साहब रखाए हुए जिन्होंने अच्छ भोग पे ने उदू बाद अंतरराष्ट्रीय धी दिहाड़े असी पंजाब दियां होन हर पांच मटियारा जिहड़ियां आ उन्हां नूं असी धी पंजाब दी अवार्ड दे नाल सन्मानित कर रहे हैं जी हाँ जी हुण साडे नाल बहुत ही एक मेहनाज हस्सी साडे नाल खड़े ने सिमर नक्स जो कि बहुत ही वधिया राइटर भी ने ते बहुत अच्छे एक्टर भी ने मैम पहला तो जी बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है जी नकोदर शहर दे विच ते बहुत बहुत मुबारकां तुहानूं जिहड़ा तुहानूं इत्थे इक ती पंजाबी दा अवार्ड दिता गया जी मैनूं ते हुण मैं ज़्यादा माण नाल भी इस गल नूं भी देखो माण है ही है सन्मान दा पर जिथों तुसी हो उत्थों सानूं सन्मान मिलना है ना ये मोह मुहब्बत ते सन्मान इस धरती तो मिलना बहुत बहुत ते सगो दी तुहाडा भी शुक्रिया इस मंच दा ते शुक्रिया है ही है जी बहुत मेहरबानी मैम लोहड़ी का त्यौहार जे आप गल करिए काफ़ी जिन्हें त्यौहार ने अपने पंजाब दे विच लगभग फिके ही रह गए हैं लोहड़ी भी कितना कितने फिकी रह पर पंजाबी फिर भी कितना कितने थोड़ा बड़ा टाइम कढ लेंगे ने लोहड़ी के वास्ते किसी भी सैलीब्रेशन वास्ते तुसी लोहड़ी को किवें देख रहे हो इस टाइम की जो हालात ने देखो इस वक्त जी जो मैं बिल्कुल करंट गल करा किसान संघर्ष के चलद हर चीज़ बदल गई है वो हर चीज़ के रोह निकल के आ रहा हर चीज़ का स्वरूप चेंज हो गया है ना मैं कह रही हूँ कि पंजाब की करैक्टर इस्टैबलिशमेंट हो रही है पंजाब का पात्र चित्रण हो रहा नवे पंजाब की सिरजना हो रही है हुण भावें वह दिवाली होवे भावें लोहड़ी होवे लोहड़ी जिस तरह की रोह की लोहड़ी है ना इशरा दलिद्दर जाते हाकम की जड़ चुल्हे पा एदू वड्डियां गल्लां की होणगियां साडे त्यौहारां ते जदों पेचा पै गया सेंटर दे नाल जां उठ जवाना जा किसानां वर्गे गीत साडे व्याहां च वज्जण लग गए ने ते त्यौहारां दा स्वरूप बदल गया ये बहुत सोहनी नज़रां तों बचा के रखे रब इस पंजाब नूं और इस तों बाद जदों संघर्ष तों मुड़ के आउणगे फिर साडे त्यौहारां दा रंग रूप बदलना उत्ते होर एक सूहा रंग चढ़ रहा है इस वक्त मेरे पंजाब नूं वटना लग रहा है बहुत सोहनी गल हो रही है तो लोहड़ी जिहड़ी मनाई गई है रोह की लोहड़ी पाई गई है तिल जिहड़े पाए गए हैं तो रोह के तिल काले कानूनां दे तिल पाए गए हैं शाला कि इन्हां त्यौहारां दे नाल नाल जिहड़ी जित असली त्यौहार उदण होएगा जिवें किसी ने इंटरव्यू च भी BBC दी आख्या वी साडा नवां साल उदण चढ़ेगा जिदण साडी जित होणी है तो किसान वापस घर जित के आएंगे उन्होंने वट्टा उड़ीकदियां पईआं ने उन्होंने उन्होंने सत्थां उड़ीकदियां पईआं ने तो वो त्यौहार असी फिर मनाउणे ने दुबारा एक कुछ लाइना हो जाना फिर जरूर जी जरूर मैं जिस तरह मैं किसान उदे नाल ही है ना अपन लाइना जड़िया रखना चाहनी हाँ कि जेडे हजे भी नहीं पहुँचे उन्होंने लिए आखते हैं कि इकट्ठे होवो तो लड़ो इकट्ठे होवो तो लड़ो जे लड़ नहीं सकते तो बोलो इकट्ठे होवो तो लड़ो जे लड़ नहीं सकते तो बोलो जे बोल नहीं सकते तो देखो जे देख भी नहीं सकते तो सुनो तो जे सुन भी नहीं सकते तो घट्टो घट महसूस तो करो पर जे तुसी महसूस भी नहीं कर सकते पर जे तुसी जिवें अज दा हालात है जे देख नहीं सकते बोल नहीं सकते सुनना नहीं पर घट्टो घट महसूस तो करो पर जे तुसी महसूस भी नहीं कर सकते तो साडी सरदल तो बाहर हो जाओ क्योंकि उही ज्यौंदियां दी थां है सो अज सिर्फ उही जिउंदा जिहड़ा संघर्ष दे विच शामिल है नवतेज भारती जी दे कहण वांग मैं जिथे भी हाँ मैं दिल्ली दियां बरूहां ते हाँ सो जे तुहाडी सुरती उन्हां बरूहां ते नहीं आ तां तुसीं पंजाब दे नहीं हो सकदे इह माण सानूं क्यों मिलिया पंजाब दी थी क्योंकि पंजाब नाल संबंधित आ मैं की हाँ कुछ भी नहीं पंज तत्त उही ने पर असीं पंजाबी हाँ असीं पंजाबीयत नाल जुड़े हाँ इह माण सानूं तां मिलदे ने
सिमरन एक टाइम इदा हों असी एक बहुत छोटे लैवल तो स्टार्ट करते हैं, चाहे एक्टिंग की गल करिए चाहे असी लिखण की गल करिए, हौली 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 सू एक सैलीब्रिटी का दर्जा मिलना शुरू हो जाए। सैलीब्रिटी बन के किवें लगता? देखो ये हूँ हजे तक मैं नहीं कहती कि कोई सैलीब्रिटी, शायद ये अंतर्मुखी ज़्यादा होंगे सैलीब्रिटी बनना, है ना। बाहरों तो कोई कुछ बनावे बनावे पर तुम अंदरों की बनते हो, मैनू लगता कि वह सगों ज़्यादा औखा जे थोड़ा कितने ज्ञान अलग जहा बिठाता तो तुम अलग जी वो ज़्यादा औखा, तुम लोगों के हो लोगों च पलियो, असी सरकार थोड़ी है जी एवं अलग होकर बैठ जाएंगे, है ना। असी तो कोई स्टार नहीं सरकार नहीं, आप लोगों के हाँ लोगों विचों ही मिलना सब कुछ, ये प्यार मुहब्बत। देखो लोग रो, तुम संघर्ष भी देखा कि एडे वे स्टारा उन्होंने जमीन पर बिठाता, दस दिता कि तुम कितों बने से कितने तुम्हें होना चाहिए सी। सो जे तुम लोगों च बन के लोगों के लिए नहीं हो तो कोई स्टार्ड नहीं है जी, आप खाक हाँ तारियां की धूड़ तो बने हाँ तारियां के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी हूँ साढ़े मौजूद ने जी इंडिया की स्ट्रोंगेस्ट वूमेन का खिताब जिन्होंने को जी, आओ उन्होंने गलबात करते हैं जी। मैम सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल राय साहब, पहले तो मैं जी एक गल का जवाब तुम दे दौ भी लगते बिल्कुल दुबले पतले हो तो स्ट्रोंगेस्ट वूमेन का खिताब एक दसना बहुत जरूरी बनता जी। एक्चुअली जिहड़ी स्पोर्ट्स है उहदे विच कैटागरीज भी हुंदियां ने, और किहड़ी कैटागरी च असीं खेडदे आ, और मेरी कैटागरी जिहड़ी है 58 कैटागरी है, और हाँ जी वेट लिफ्टिंग दे विच और पावर लिफ्टिंग दे विच 63 कैटागरी आ, और उस कैटागरी दे विच पूरे कंपीटिशन दे विच 7-8 कैटागरिया दे विच जिन्हें सब तो वध भार चक्या हुंदा वो भारत की सब तो स्ट्रोंग कुड़ी बनती है, जो कि खिताब मैंने मिल चुके आ। एक गल होर भी है ना भी पंजाब दी जिहड़ियां धीआं ने बेशक देखण नूं पतलियां लगदियां हुण पर अंदरों बहुत मजबूत हुंदियां ने, अंदरों बहुत स्ट्रोंग हुंदियां ने, आखिरकार तुसीं इह दिखा दित्ता जी। ते मैम हुण आपां लोहड़ी दे बारे गल करदे आ, लोहड़ी अज तुहानूं नकोदर दे विच सन्मानित भी किया गया आ, ते लोहड़ी नूं किवें लग्गिया तुहानूं अज दा नकोदर दे विच आके? जी मैनूं बहुत ही माण महसूस हो रहा इस अवार्ड लई मेरा नाम जो सन्मान मानिया गया, और मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ किसी नालों घट नहीं आ। पहले दे समय दे विच लड़कियां ही पहल दित्ती जांदी सी कि लड़कियां दी लोहड़ी मनाई जांदी सी, पर अजकल लड़कियां दा भी ये त्यौहार मनाया जांदा, लड़कियां दी भी लोहड़ी मनाई जांदी आ। और ये जिहड़ा अवार्ड मिलिया है यूथ वेलफेयर क्लब का, मैं बहुत शुकराना करती हाँ जसप्रीत भाजी का, और मैं चाहनी हाँ कि लड़कियाँ अगे होर ज़्यादा वध के आउण तां कि इस तरह के अवार्ड मिलते रहन ते साडा माण वधदा रहे। सब एक ना प्रॉब्लम भी होंदी आ भी पिंडां दे विचों ना जिहड़ियां कुड़ियां नूं ना बाहर निकल दी आग्या नहीं मिलदी, मतलब एक ना बहुत डिजर्व नेचर दे विच रख्या जांदा आ, उन्होंने बारे तुसीं एक जरूर मैसेज दे दो। तुसीं कॉमनवेल्थ के भी पहले लगभग खिडारी हो पंजाब के, है ना, भी तुसीं इन्हां नूं जरूर एक मैसेज दिओ भी तां जो अपनियां लेडी कुड़ियां नूं ना घरों बाहर कढ़न ताकि उन्हां नूं एक हिम्मत मिले, बूस्टअप मिले जी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है तुहाडा, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चा और सुच्चा पॉइंट है कि पंजाब दे विच अज भी कई पिंडां दे विच कुड़ियां नूं बाहर कढ़न की मनाही है। कुछ इस तरह ही मेरे नाल भी होया सी, मैं भी एक पिंड तो ही हाँ, जदों मैं 2005 दे विच कॉलेज दे विच पैर पाया तो कितें ना कितें लोग ये चीज़ का बहुत ही गलत मनाते सी कि हाँ भी ये कुड़ी नूं कॉलेज क्यों पा दिता, बट मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल अपनी माँ का और अपने सारे परिवार का, मेरे मम्मी पापा मेरे ब्रदरस ने मेरी बहुत सपोर्ट की। मैं चाहनी हाँ पिंड दे विच भी कुड़ियां नूं अगे वधण लई उन्हां दी सपोर्ट की जावे, तां जो मेरे वर्गियां सारियां अगे वध के एक पंजाब दा ही नहीं अपने घर दा ही नहीं बल्कि पूरे भारत दा नाम रोशन कर सकीए। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ, ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੋਦ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी हूँ आप गल करते हैं जी यूथ वेलफेयर क्लब नकोदर के प्रधान साहब नाल, तो इन्हों को जाते इन्हों की उपलब्धियों के बारे जो इन्होंने अच्छ लोहड़ी का फंक्शन रखा हुआ तो उन्होंने गलबात करते हैं। सत श्रीकाल प्रधान साहब। हाँ जी सत श्रीकाल जी। प्रधान साहब किन्ना तुहाडा फंक्शन अज्ज इह? ये जिहड़ा लोहड़ी दियां दी असीं जिहड़ा प्रोग्राम करवा रहे हैं चौथा फंक्शन है, 4 साल हो गए जी सानू करवाउंदे नूं जी। हाँ जी।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣਹਾਰ 5 ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਲੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਘਰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਡੋਪਟਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32-33 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 2,70,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਭਾਅ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਿਸ਼ੱਕ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਛਣਕਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।